उदयपुर में कल पतरू ग्रुप ऑफ कंपनी की ओर से लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल 2006 में उदयपुर आई कल पतरू ग्रुप ऑफ कंपनी ने उदयपुर और आसपास के क्षेत्र में अपनी कंपनी के ऑफिस खोले, जिसके बाद धीरे धीरे लोगों से अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करवाया और 2015 तक इन्वेस्ट का लाभ देने की बात कही। लेकिन 2015 के बाद जब लोग अपने लाभ की राशि लेने के लिए ऑफिस पहुंचे तो वहां पर कंपनी के अधिकारियों की ओर से गोलमाल जवाब दिए गए और अंत में निवेशकों को राशि देने से मना कर दिया। इसके बाद सेक्टर 11 में बने ऑफिस में निवेश करने वाले निवेशकों ने पुलिस की शरण लेने का निर्णय लिया और जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर कल्पतरू ग्रुप ऑफ कंपनी के डायरेक्टर से निवेश की राशि के साथ लाभ दिलाने की मांग की गई तो वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद निवेशकों ने न्यायालय की शरण में जाना तय किया और अब सेक्टर 11 के कार्यालय में निवेश करने वाले 39 निवेशकों ने एक साथ न्यायालय के समक्ष पेश होकर धारा 156(3) के अंतर्गत परिवाद पेश किया। इसके साथ ही उचित न्याय की मांग करते हुए सभी निवेशकों को राशि दिलाने की बात कही। निवेशकों की माने तो इस कंपनी ने पूर्व में लोगों को भारी मुनाफा देने के साथ साथ प्लॉट देने की बात भी कही थी, जिसके चलते अलग अलग जगहों पर लोगों ने निवेश किया। निवेशकों की ओर से लगातार फील्ड ऑफिसर को भी वेतन के साथ उनके द्वारा निवेश की राशि नहीं मिलने से फील्ड ऑफिसर भी उनके साथ हो गए हैं। सेक्टर 11 के ऑफिस के फील्ड ऑफिसर गणेश लाल की माने तो कंपनी ने शुरुआत में कुछ लोगों को लाभ भी दिया था, लेकिन बाद में जब अधिक लोगों द्वारा अलग अलग जगहों पर निवेश करना शुरू किया तो कंपनी ने धीरे धीरे निवेशकों की राशि लौटाने में देरी की और कुछ समय बाद तो राशि लौटाना ही बंद कर दिया। वहीं निवेशकों की माने तो लाखों रुपए एक साथ इन्वेस्ट किए और अब कंपनी इस तरह से निवेशकों को राशि नहीं लौटाएगी तो सभी को भारी नुकसान होगा। वहीं पुलिस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने से अब सभी को न्यायालय की शरण लेनी पड़ रही है। इन सभी निवेशकों की ओर से न्यायालय में परिवाद पेश करने वाले अधिवक्ता की माने तो कंपनी ने इनके परिवादी के साथ भारी धोखाधड़ी हुई है और सेक्टर 11 के ऑफिस में निवेश की गई राशि की कीमत तकरीबन 20 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जहां पर भी इस कंपनी के कार्यालय में वहां पर तकरीबन 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। निवेशकों की ओर से कंपनी के सभी 33 डायरेक्टर्स के खिलाफ परिवाद पेश किया गया है। एक्चुअली ये सभी लोग जो है ये कल्पतरू करके एक ग्रुप है जिसमें कल्पतरू होम्स, कल्पतरू रेजिडेंस, कल्पतरू बीटेक, कल्पतरू मोटर्स, कल्पतरू मेगामार्ट करके विभिन्न प्रकार की कंपनियों का एक ग्रुप बनाकर इन्होंने आम जनता से निवेश के नाम पर प्लॉट और भूखंड आवंटित कराने के नाम पर इनसे विभिन्न रूप में आरडी और एफडी के रूप में इनसे निवेश कराया और इनको बताया गया कि निवेश करने पर आपको 5 साल 7 साल के अंतर्गत इस निवेश राशि का एक बड़ा लाभ मिलेगा। सन 2006 को कंपनी आई थी और लंबे समय से काम कर रही थी। लोगों ने विश्वास कर करके अपने जीवन भर की संपूर्ण जमा पूंजी इन लोगों के पास निवेश कर दी। क्या सन 2015 के बाद जब कंपनी ने निवेश राशि जब इनकी मैच्योरिटी होगी देने से इनकार कर दिया तो लोगों ने जब इनके ऊपर बार बार मांग की गई तो आजकल कहकर टालते रहे। मूल रूप से गिरवा तहसील के 39 निवेशक और जो कि फील्ड एडवाइजर है मेरे पास आए इस संदर्भ समस्या को लेकर और इस संदर्भ में हमने जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर को दिनांक 9/8/2018 को एक एप्लीकेशन दी कार्रवाई करने बाबत जो दिनांक 10/8/2018 को उनको मिल गई। उसके बावजूद किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने पर आज दिनांक को दंड प्रक्रिया संहिता 156(3) के अंतर्गत न्यायालय विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट PCPNDT से निवेदन किया गया कि इस संदर्भ में आदेश करें और उपरोक्त विपक्षीगण जो कि विभिन्न कंपनियों के 33 डायरेक्टर्स हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके निवेशकों से डूबी हुई राशि जो इन्होंने निवेश की हुई है वो इनको दिलाई जावे और उनके कृत्य की सजा दिलाई जाने के संबंध में आज सभी लोग यहां आए हैं और इस संदर्भ में न्यायालय में परिवाद पेश किया है। इन सब का मिला के अमूमन सभी का तो इतना आइडिया नहीं है लेकिन उदयपुर शहर के जो ऑफिस अपेक्षा कॉम्प्लेक्स सेक्टर 11 में स्थित है वहाँ उदयपुर की जनता का करीब 20 करोड़ रुपए के आसपास की राशि निवेश है। साथ ही संपूर्ण भारत में ये कयास लगाया जा रहा है कि 500 करोड़ के आसपास की राशि निवेश की गई है लोगों की जिनका भुगतान नहीं हो पाया है और सभी विपक्षीगण के विरुद्ध भारत के विभिन्न न्यायालयों में कई धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज है और मूल रूप से श्री जयकृष्ण सिंह राणा करके है जो इसका प्रबंधक और CEO है। ये 2006 में महाप्रबंधक जेके सिंह राणा उदयपुर आया था, हमसे संपर्क किया, क्या पता आप किससे संपर्क लेके हमारे संपर्क किया और हमें अवगत कराया गया कि MIS और SIS के थ्रू इन्होंने हमको स्कीम बताई गई, उसमें हमें लोगों को फायदा के बात कही थी और उसके अंतर्गत हमने उनके साथ विश्वास के कारण हम उनके साथ काम करते गए। फिर मेरे 2008 में मेरा एक्सीडेंट होने के बाद फिर मेरे सारे कार्यकर्ता काम करते रहे, उन्होंने जो वादा किया उसके अनुरूप हमें 2015 के बाद हमें मैच्योरिटी देना उन्होंने
बंद कर दिया। फिर हमको विवश होकर ये हमने कदम उठा के हमने बार बार आग्रह करने पर भी उन्होंने हमको पैसा नहीं दिया। फिर हमने एक आग्रह करने का भी उन्होंने दिया, हम बार बार आगरा के हम पत्ता चक्कर लगाते रहे। कम से कम 2015 से आज दिन तक कम से कम 100 बार हमने चक्कर लगाए, उनको ठोस कार्रवाई के नहीं करने पर हमें पैसा न मिलने के कारण हमने ये आज हमें अदालत की शरण में जाना पड़ा। और इस तरह से हमने आज सभी साथियों को साथ लेके आज अदालत पर हमने हमारी अर्जी पेश की। मैंने इस कंपनी में 16,27,150 रुपये जमा कराए हैं और ये हमारे यहाँ इस ऑफिस के ब्रांच अधिकारी श्रीमान गणेशलाल जी प्रजापत हैं जिनके अंडर में हम सारे लोग जुड़े और पैसे हमको नहीं मिल पा रहे हैं, तो आज हमको इस अदालत की शरण में हम सब लोग पेश हुए हैं। तो इनके माध्यम से हम इस हमको हमारे पब्लिक का जो पैसा है वो पैसा सबको दिला दिया जाए, ये हमारी भावना है। इसी भावना के साथ हम सब लोग आज अदालत में अदालत को प्रार्थना पत्र दे करके उचित कार्रवाई हेतु हम सब आए हैं और पेश कर रहे हैं। 2015 के बाद हम लगभग कितनी बार मथुरा भी गए हैं और जाकर के वापस आए हैं, लेकिन हमको कोई ठोस पैसा मिलने का कारण नहीं मिला। नहीं मिलने से हमको ये अदालत की शरण भी लेनी पड़ी। उदयपुर के गोगुंदा थाना पुलिस ने राधा नाम की एक महिला को गिरफ्तार करते हुए उसे SBI बैंक के ग्राहक का चोरी हुआ पॉकेट बरामद किया। पुलिस ने आरोपी महिला के पास से 49,000 रुपए के साथ बैंक डायरी व चेकबुक भी बरामद की है। दरअसल सोमवार को थाना क्षेत्र के बरवाड़ा निवासी मीठालाल जैन ने थाने में एक रिपोर्ट दी जिसमें उसने बताया कि वो गोगुंदा बस स्टैंड के समीप स्थित SBI की शाखा में 49,000 रुपए जमा करवाने के लिए गया था। इस दौरान उसने एक प्लास्टिक के पॉकेट में 49,000 रुपए, बैंक की डायरी व चेकबुक रखी थी। खाते में रुपए जमा करवाने का फॉर्म भरते समय उसने पॉकेट अपने पास ही साइड में रख दिया और फॉर्म भर लेने के बाद देखा तो पॉकेट गायब था। इस पर पीड़ित व्यक्ति ने इसकी रिपोर्ट गोगुंदा पुलिस को दी। पीड़ित की रिपोर्ट मिलने के बाद थानाधिकारी भरत योगी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम ने बैंक में लगे CCTV के फुटेज खंगाले जिसमें एक महिला पॉकेट उठाते हुए दिखाई दी। उसके बाद पुलिस ने बैंक में उस समय मौजूद रहे ग्राहकों